मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। देखो इस लाइन को आप ज्वाइन करोगे ना, मैं कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये मोबाइल टेक्निकल का मैं कर सकता हूँ कि नहीं। कैसे हो आप सब? और सुनाओ, घर पे सब ठीक ठाक हैं? तो आज मैं फिर दोबारा से बनवे मुंबई के अंदर, नवी मुंबई बोलते हैं इसे, तो आज मैं जो रॉयल मोबाइल इंस्टीट्यूट है इस जगह बैठा हुआ हूँ, और जो सर जी हैं और एक उनकी टीम है, तो इनसे कुछ बात करते हैं। इन्होंने फिर से याद किया, क्या चीज है, कुछ नया है या कुछ आपको गिफ्ट देना चाहते हैं या क्या चीज है, वो सारी चीज इस वीडियो में बात करेंगे। देखो इस लाइन को आप ज्वाइन करोगे ना अच्छे से, तन मन से, तन भी साथ में होना चाहिए, मन भी साथ में होना चाहिए। मोबाइल आज की डेट में एक ऐसी चीज है, आदमी खाने के बिना रह सकता, फोन के बिना नहीं रह सकता, और कोई स्कोप बचा नहीं है। इस फोन ने एक घड़ी खत्म कर दी, बंद हो गया, घड़ी कोई नहीं पहनता मोस्टली अब, ठीक है। एक टॉर्च होती थी पहले, वो टॉर्च भी खत्म कर दी इसने, ठीक है। और क्या होता था, वॉकमैन होते थे, वॉकमैन होते थे या आईपॉड होते थे, वो सब खत्म हो गया। अब ये फोन ही है, और ये फोन हर इंसान के पास में एक फोन तो है, ये दो दो फोन भी होते हैं, और वो फोन के बिना नहीं रह सकता, खाने के बिना रह जाएगा। तो अगर आप इसका इस फील्ड में इसका अच्छे से काम सीख लोगे ना, अच्छा मोटा पैसा भी मिलेगा कमाने के लिए, क्योंकि कुछ और चीज है ही नहीं, और आदमी इसी चीज से निर्भर है। कोई आप बिजनेस भी कर रहे तो सबसे पहले फोन, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना, बिल्कुल सबका सबका फोन ही है ना। और बिना फोन के नहीं, एक घर में कम से कम 10 10 12 12 चार चार छह छह फोन मिल जाते हैं, जितने घर में सदस्य होंगे इतने फोन होंगे भैया। ऐसे हर कोई ऐसा नहीं है कि वो हर कोई अगर खराब हो गया तो नया ले लिया उसने, कोई एक आध दो मतलब जो पैसे वाले होंगे वो ही ऐसा करते होंगे, नहीं मोस्टली तो सब रिपेयर कराते हैं। जो रिपेयरिंग अच्छी आएगी आपको जब भी आगे आप बढ़ोगे, और जब जिस इलाके में आप दुकान खोल के बैठोगे, जब आपका नाम होगा, अच्छे से काम करोगे, जब तुम्हारा नाम होगा, भाई फोन रिपेयर कराना किस मिस्त्री पे जाए, तो नाम होता ना, नाम तो भाई उस दुकान पे चले जाओ, वो अच्छा काम करते हैं। तो आप यहाँ आए हो, काम सीखो अच्छे से, और जो आप अपना नाम करो अपने इलाके में जाके। और सिंपल सी चीज है, आपको पता है कि फोन में कितना खर्चा लगता है हमारा, है कितने का क्या चीज है और कितने पैसे मिलते हैं, दिमाग का खेल है ना साहब, दिमाग का खेल है ना। तो अच्छे से सीखो इस चीज को और आगे एंजॉय करो इस फील्ड को। जी मेरा नाम दिनेश है, मैं ठाणे से ही हूँ। एक्चुअली मैं कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये मोबाइल टेक्निकल का मैं कर सकता हूँ कि नहीं, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम आया तो मैंने एक क्लास ऐसे एज ए डेमो क्लास अटेंड किया था। एलेक्स सर है जो थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं, और नरेश सर है जो टेक्निकल नॉलेज देते हैं, तो उनसे मुझे थोड़ा ऐसा एक कॉन्फिडेंस आया कि सीख सकता हूँ। तो उन्होंने हमें कंप्लीट बेसिक टू एडवांस तक ले जा रहे हैं, जैसे कि अभी कंपोनेंट कैसे काम करता है, कंपोनेंट कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उनके डिवाइसेस कैसे यूज़ करते हैं, उनकी रीडिंग कैसे लिया जाता है, और साथ में रोज़ के रोज़ एक अच्छा है यहाँ, ये यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का एक बात अच्छा है, यहाँ आपको हैंड ऑन प्रैक्टिकल रोज़ के रोज़ 3 4 घंटा एक्चुअली ज़्यादा दे सकते हैं। जो यहाँ रहते हो तो 9 9 बजे तक भी बैठते हैं, लेकिन जो जैसे मैं हूँ डे ट्रैवल करता हूँ, तो 3 घंटे प्रैक्टिकल में अलग से मिल जाते हैं मुझे, और थ्योरेटिकल में अलग। और यहाँ पर जो नरेश सर सिखाते हैं, एलेक्स सर सिखाते हैं, क्योंकि आपको देख के बाकी सारे लोग आने वाले हैं, और जितना आसानी से जितना सरल नॉलेज देंगे उतना ही अच्छा रहेगा, सबके लिए रहता है बहुत। तो अभी सर मैं तो कह रहा हूँ सबको यहाँ ज्वाइंट एक बार तो आके देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ राजेश सर जो यहाँ के ओनर हैं, उन्होंने मतलब बच्चों के देख रेख के लिए भी काफ़ी वो देखते हैं कि इनको रहने के लिए सुविधा है कि नहीं, एकोमोडेशन है कि नहीं, उनका फूड का कैसे चल रहा है, वो सब फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं मैक्सिमम। और हमें यहाँ पे एक और बात है, नरेश सर जो है हमें रियल टाइम के स्टडी बताते हैं, तो उससे एक जानकारी मिलती है हमें कि कैसे मतलब फेस करना है, कोई भी प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, लाइव बोर्ड पे बताते हैं, लाइव बोर्ड पे एकदम, तो उससे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं। और ऐसा एक हैंड ऑन ये है कि जैसे कभी भी पूछो तो सर अवेलेबल होते हैं, तो इससे एक हमको कॉन्फिडेंस है कि सीख सकते हैं ऐसा। चलिए थैंक यू, थैंक यू। यस भाई माली है, ये पाली जिला से गांव है उनका सादे, तो वहां से यहाँ पे इनका संपर्क हुआ और हमारे पास पहुंचे, और इनको फ्रेशर दे सीखने को क्या मिला इधर, और बाकी कोई स्टूडेंट रहेंगे वहां से पाली से आसपास से जो भी है
तो उनको फैसिलिटी यहाँ पे सब मिलेगी रहने वगैरह की, तो आ सकते हो और इनसे भी कुछ बात करेंगे। हाँ ये बताइए। एक्चुअली मेरे मतलब वहाँ पे मेरा फोन एक्चुअली बहुत गिरने का मेरे हाथ से, तो फिर मैं मतलब बार बार देने का, मैं सोचा भी कुछ ना कुछ तो करके मैं खुद ठीक करूंगा। तो फिर बाद में मैंने पूछा बहुत जन को मोबाइल दुकान पे जाके, कोई है क्या अच्छा कोर्स सिखाने, तो 10 में से पूछ के 6-7 जन ने तो बोला कि पनवेल जाके रॉयल मोबाइल है वहाँ पे अच्छा सिखाते हैं, मैं भी वहां से ही सीख के आया हूँ। तो मैं बोला ठीक है चलो ट्राई करते हैं। वहां फिर इनसे राजू सर से मैंने कॉन्टेक्ट किया था, तो उन्होंने बोला ठीक है आ जा देखते। तो एक्चुअली उन्होंने पहले टाइम पे बहुत ज्यादा ही सपोर्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे कोई तो था नहीं मेरा मुंबई में, तो उन्होंने सपोर्ट करके फिर मेरा पूरा हौसला बढ़ाया। और एक्चुअली एकदम ऐसा नहीं है कि सर जैसे रहते, ये ऐसे मतलब फैमिली मेंबर जैसे रहते। तो उस टाइम मेरे को ऐसा लगा भी नहीं था, मेरे को पहले लगा मैं कैसे रहूंगा कैसे सीखूंगा, कोई है नहीं नजदीक। तो इन्होंने मतलब ऐसा सपोर्ट किया हमको, तो फिर बाद में धीरे धीरे सीख के, और ये नजर सर ने हमको फिर वैसे ही ट्रीट किया कि फैमिली मेंबर जैसे, ऐसा देखा नहीं कि स्टूडेंट है कि कुछ है, वो एकदम फैमिली मेंबर जैसे ट्रीट किए। और इन्होंने मेरे को एकदम कैसे बोलते है, मेरे को ये भी नहीं पता था कि मोबाइल के अंदर ये चीज क्या होती है, तो इन्होंने मेरे को बहुत समझाया ये किया। फिर बाद में मेरे को एटलस समझ आया कि हाँ ये चीज होती है। और फिर बाद में मैं नरेश सर से CPU EMC और ये रिबॉलिंग करना वो सब सीखा। अभी मतलब इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं ना किसका भी मोबाइल हो मैं ठीक करके दूंगा, मतलब दूंगा। कभी कभी हो जाता है गलती लेकिन मैं ठीक करूंगा ऐसा है। और वो नरेश सर मेरे को गलती भी होगी ना तो नरेश सर बोलेंगे कि ऐसा नहीं है ऐसा है, तो देख के करना है, सिर्फ समझ और कर बस, और कुछ है नहीं उसमें। बहुत ये इजी भी होता है, अगर समझे नहीं तो मुश्किल है, अगर समझ गए तो बहुत इजी है ऐसा। बाकी कोई स्टूडेंट हमारे इधर आना चाहे तो उनको क्या बोलेंगे आप? एक्चुअली बहुत सपोर्ट करते हैं, इनका मतलब रहने का खाने का सब बहुत अच्छा है, बढ़िया है। और सर मतलब बहुत अच्छे फैमिली मेंबर जैसे, मैं सच बोलता हूँ बहुत अच्छे सपोर्ट करते हैं, कुछ इशू नहीं है कुछ नहीं। और बाकी मतलब बहुत अच्छा ही इनका, कुछ इशू नहीं है। ओके थैंक यू। आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपका डिस्प्ले टूट गया है, ठीक है, यानी अगर आपको लगता है कि आपका डिस्प्ले खराब हो गया है। आपको पता होगा कि अभी के जो गेमिंग फ़ोन आ रहे हैं या तो आपके घर के कोई ऐसे फ़ोन है जो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। मान लो मेरे पास यहाँ पर पोको F1 है, जब 28 का आया था तब मैं इसको ख़रीदा था। अब मान लो इसका डिस्प्ले कहीं पर ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको मार्केट में लेके जाएंगे और इसका डिस्प्ले चेंज करवा देंगे। जब डिस्प्ले चेंज करवाएंगे तो हमको वह वाली क्वालिटी नहीं मिलेगी, वह वाली फीलिंग नहीं मिलेगी जो हमको पहले मिलती थी। अगर आप डिस्प्ले चेंज करवाने के बाद गेम खेलेंगे तो आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट होगा, क्योंकि जो मार्केट का डिस्प्ले होता है वह प्रॉपर आपके मदरबोर्ड के साथ फिट नहीं हो पाता है, ठीक है, काफ़ी अच्छे से मतलब सपोर्ट नहीं दे पाता है, तो आपका फ़ोन हीट होने लगता है। मतलब कुछ फ़ोन होते हैं जो हीट होने लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपका डिस्प्ले टूट गया है, ठीक है, डिस्प्ले टूट गया यानी पूरा चल रहा है आपका स्क्रीन टूट गया है, तो आप उसको मतलब दूसरा डिस्प्ले ना लगवा के आप उसका जो ऊपर का ग्लास है उसको चेंज करवा ले। इस प्रोसेस में आपको कैसे क्या करना पड़ता है, ठीक है, आप तो कर नहीं पाएंगे लेकिन कैसे क्या होता है, अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप कम पैसे में अगर आप मेरा नाम बता देंगे, ठीक है, अगर आप वहाँ पर पहुँच जाते मेरा नाम बता देते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा महंगा है तो आप कुरियर कर सकते हैं, आप उनसे एक बार बात कर लेना, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिखा दूंगा, आप कुरियर कर सकते हैं और वह बना के आपको कुरियर करके भेज देंगे।